बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है, वहीं महागठबंधन भी सरकार बनाने की दूरगामी रणनीति बना रहा है। बताया जा रहा है कि जोर तोड़ की कोशिश के बीच उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का ऑफर भी खुल गया है। महागठबंधन के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इसमें अपने कुछ प्रमुख सिपा सलारों को लगाया है। जोर तोड़ की कोशिशों का खुलासा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी हाल ही में कर चुके हैं। दो दिन पहले आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा था कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। महागठबंधन के अन्य नेताओं का भी मानना है कि कुछ दिनों बाद महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। इसके लिए गुप्त मुहिम आरम्भ हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी की तरफ से बाहुबली अनंत सिंह और रीतलाल यादव को महागठबंधन की सरकार के लिए जुगाड़ की जिम्मेदारी दी गई है। विधान पार्षद सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अमेंद्र धारी सिंह को भी इस काम में लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें सहयोग के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को भी लगाया गया है। हालांकि आरजेडी के नेता जोड़ तोड़ की कोशिशों से इनकार कर रहे हैं। सांसद अमरेंद्र धारी सिंह कहते हैं कि वो जनादेश का सम्मान करते हैं। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ऐसी कोशिशों से इनकार करते हैं। हालांकि वे जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार की कमजोर सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। साथ ही आरजेडी सांसद भले ही इनकार करें, लेकिन हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें महागठबंधन की ओर से बुलावा आ रहा है, लेकिन वे मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। शुक्रवार को हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मांझी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर जीत दर्ज की है, इसलिए वह उनके साथ ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।